दर्द दूसरों का जो दिल में लिए चले जाते हैं, कद अक्सर उनके हो बड़े जाते हैं। मुहाफिज होने का फर्ज खूब निभाया उसने, लाखों हैं लोग लाखों ही सुने जाते हैं। तकदीर के फैसले तदबीर से बदल जाते हैं, मसीहा बनते नहीं मसीहा चुने जाते हैं। ये है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा हसनपुर अपने आप में प्रगति और विकास की मिसाल बन चुका है। कुछ सालों पहले यहाँ के हालात इतने अच्छे नहीं थे। ये क्षेत्र विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था। भारत की आजादी के बाद से यहाँ के लोग बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे थे। शायद ये यहाँ के लोगों का भोलापन ही था जो उन्होंने ऐसे प्रतिनिधियों को चुना जो किसी दूसरे शहर के थे या विकास लाने में सक्षम थे। अच्छा विधायक बनकर जाएगा तभी तो आगे बात सुनी जाएगी। ऐसे में एक छात्र नेता कमाल अख्तर ने अपना राजनीतिक सफर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से शुरू किया, जो इसी विधानसभा क्षेत्र उछारी के निवासी थे। बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। हमारी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी जो बीवी है मेरा वो भी बहुत अच्छी है, बहुत इज्जत मान सम्मान से बुलाती है। औरत पर परिवार इनका बहुत अच्छा है, सब लोग घर के बहुत अच्छे हैं। घर के नेता हैं, कभी पकड़ लेते हैं हम, कभी हाथ देते हैं कहीं पे। समाजवादी पार्टी में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी और 1994 में जामिया मिलिया इस्लामिया में वो छात्र संघ के प्रेसिडेंट बने। पार्टी हाईकमान ने उनका कठिन परिश्रम और लोगों में लोकप्रियता देखते हुए दूरदर्शिता दिखाई और 2004 में राज्यसभा में भेज दिया। दो हजार बारह में हसनपुर क्षेत्र के लोगों ने सूझबूझ दिखाई और बिना किसी भेदभाव के एकजुट होकर आपको ये भरोसा दिलाता है। कमाल अख्तर को भारी मतों से विजयी बनाया। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। पार्टी हाईकमान ने उन्हें पंचायती राज्य मंत्री मनोनीत कर दिया। ऐसा मंत्री कोई ना आया है ना आएगा। वर्क उन्होंने हमारे क्षेत्र में करवा दिया है, शायद ही कोई और नेता करवाएगा। मोदी भी यहाँ से जीतते शायद वो भी निकल आते। नाम भी कमा लिया, कमाल करके दिखा दिया वहाँ। और कुछ ही दिनों में उनके विकास कार्य को देखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया। मैं कमाल अख्तर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और उन्होंने जनता का विश्वास निभाते हुए कुछ ही सालों में हसनपुर क्षेत्र में उन्नति, प्रगति और विकास का इतिहास रच दिया। यहाँ तो उस बात से मतलब है जो विकास करा क्षेत्र का। कमाल अख्तर पूजने काबिल आदमी है, हिंदू मुस्लिम से मतलब थोड़ी है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने हसनपुर विधानसभा की जनता का और अपने उन सारे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरी दिन रात मेहनत कर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे हसनपुर विधानसभा का चुनाव जिताया। आइए देखते हैं किस तरह कमाल अख्तर ने अपने प्रयासों से इस क्षेत्र का रूप बदल डाला।
क्षेत्र में सड़कों की बुरी हालत कमाल अख्तर के सामने बड़ी चुनौती थी। गजरौला से संबल तक एक छोटी सी सड़क पर 40 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय की जाती थी। उसी सड़क को कमाल अख्तर ने डबल लाइन मंजूर करवाने का बीड़ा उठाया। आज अगर आप जाएंगे तो गजरौले से संबल तक पहुंचने में आपको मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। इसी तरह जगह जगह कई सड़कों का बेहतरीन विकास हुआ, जैसे हसनपुर से गवां, उझारी से ढवारसी, उझारी से बुरावली, उझारी से ढक्का, ढक्के मोड़ से नारायणपुर, ढक्के से हरियाणा, ढक्के से नंगली, नंगली से समतपुर, इजखेड़ा से निवरौली, निवरौली से बुरावली, हसनपुर ढवारसी रोड से बस्सा, तरौली से बरतौरा, दुरारा से ढवारसी, रहरा गवा मार्ग से आदमपुर और अन्य कई सारी सड़कें। इन सड़कों ने क्षेत्र को अलग अलग जिले अमरोहा, बदायूं और अलीगढ़ से जोड़ने का काम किया। इस तरह क्षेत्र में कमाल अख्तर ने सड़कों का जाल बनवा दिया। गेरे गेरे गड्ढे थे, सड़क तो सही हो गई, सड़कें हर गांव को है गई। 400-500 करोड़ की सड़कें इस हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में सीसी दूसरे रोडों को जोड़ना, नई सड़कें बनाना, हम लोगों के अंदर सड़कों का काम किया। हसनपुर ब्लॉक डार्क के अंदर था, न जाने कितने किसान ऐसे थे जो अपनी जमीन सिंचाई करने के लिए हजारों हजारों रुपए खर्च करते थे लेकिन सिंचाई नहीं हो पाती थी। कमाल अख्तर ने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके इस क्षेत्र को डार्क जोन से हटवाया और इस क्षेत्र के अंदर 14,000 ट्यूबवेल स्वीकृत करवाए और आज खेती की पैदावार में कई गुणा बढ़ोतरी हो चुकी है। मेरी 68 साल की उम्र में इतना काम। कमाल अख्तर ने क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा पाने की व्यवस्था क्षेत्र में ही उपलब्ध कराई। कमाल अख्तर ने पूरे क्षेत्र में कई इंटर कॉलेज स्वीकृत करवाए, जैसे गलसुआ का इंटर कॉलेज, बिलाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेमदाबाद का राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज, जिससे कि लड़कियों की शिक्षा एक महफूज माहौल में हो सके। कमाल अख्तर ने अपने निजी प्रयासों से सौत के अंदर एक बड़ा ITI कॉलेज और डिग्री कॉलेज बनवाया और रहरा में भी डिग्री कॉलेज बनवाया और उसका पूर्व सांसद इस देश के बड़े नेता शास्त्री जी के नाम पर पंजीकरण करवाया। इस क्षेत्र में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल नहीं बनवाया गया। फक्र के साथ कह सकता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर इस क्षेत्र के लोगों को, अपने बच्चे, अपनी बेटी, अपने बेटे को दिल्ली, मुरादाबाद, मेरठ पढ़ाने नहीं भेज सकता। सारी शिक्षा का इंतजाम हम लोगों ने इसी विधानसभा के अंदर किया। 70 साल से मांग थी कि हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हसनपुर शहर के अंदर एक डिग्री कॉलेज की ज़रूरत है। हम लोगों ने वो डिग्री कॉलेज मंजूर कराया और एक बहुत बड़े हमारे बुजुर्ग जो इस क्षेत्र से, जिन्होंने बड़ी सेवा की, जो हिंदू मुस्लिम एकता के, गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक रहे, बाबू जगदीश प्रसाद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके नाम पर वो डिग्री कॉलेज की बुनियाद रखकर उसको काम शुरू किया। मेरी बच्ची है, मैंने बाहर बच्ची को भी भेजा है। 4 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च होते हैं। ये पहला गवर्नमेंट कॉलेज है जिससे कि हमें जो है ना बाहर जाने से बचेंगे। जैसे मैं बिलोंग जो है RSS को करता हूँ। कमाल भाई पूर्ण बहुमत से जीतने चाहिए, जीतने चाहिए, जीतने चाहिए। उन गाँवों में जिसमें 70 साल के बाद लाइट नहीं आती थी, लोगों ने तार खम्भे नहीं देखे थे, 70% काम हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत हम लोगों ने स्वीकृत करा दिया। जहां 3-3 दिन तक लोगों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलता था, वहां APDRP योजना के तहत हसनपुर में 38 ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली की समस्या को खत्म किया।
पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हसनपुर विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर 7 बिजली घर स्वीकृत हुए, जैसे रहरा का बिजली घर, उजहारी का बिजली घर, आदमपुर का बिजली घर, ढक्का, भटौला और कारापुर का बिजली घर। जिन बिजली घरों में काम शुरू हो गया है उनमें शामिल है जैतौली, मेहंदाबाद और मंगरौला के बिजली घर। कोई सड़क, गली, गांव, चौराहा ऐसा नहीं है जो रोशनी से वंचित हो। पहले जब वहां से आती थी गजरौला से सप्लाई नहीं मिल पाती थी, अभी खूब सप्लाई मिल रही है। 24 घंटे जिससे लागू है 24 घंटे मिल रही है, 18 घंटे जिसको लागू है 18 घंटे मिल रही है। बिजली आ रही है, बिजली भी आ रही है, बिजली पानी की वजह से 40% पैदावार बढ़ गई। जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गलियां, गांव, चाहे वो धार्मिक स्थल हो या सरकारी संस्था, सभी जगह सोलर लाइट लगवाकर रोशनी का इंतजाम किया। जहां पहले किसी एक्सीडेंट के शिकार व्यक्ति या प्रसव पीड़ित महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन नहीं मिलता था, कमाल अख्तर के प्रयासों से 108 और 102 नंबर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ये नंबर लगाने से 10 मिनट में एम्बुलेंस घटना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित को अस्पताल पहुंचा देती है। 30 बेड का अस्पताल रहरा में, हसनपुर में 100 बेड का और ढवारसी में 30 बेड का अस्पताल, आदमपुर, मटीपुरा, कुंदरकी में अस्पताल स्वीकृत करवाए गए। कम से कम 250 डिलीवरी पर मंथ और 700 से 750 ओपीडी होती है हर रोज। कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, अगर उसमें रहने वाले हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग अगर सेहतमंद नहीं होंगे तो यकीनी तौर से वो प्रदेश, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। भगत नदी और अन्य नदियों का पानी फैक्ट्रियों की वजह से दूषित हो चुका था। दूषित पानी की वजह से लोगों को लिवर की बीमारी और ना जाने कितनी तरह की बीमारियों का शिकार होना पड़ा। ऐसे में जगह जगह जैसे आदमपुर, जैतौली, नंगली, मटीपुरा, तरौली, दड़ियाल, वाईखेड़ा और कई गांव में वाटर हेड टैंक लगवाकर कमाल अख्तर ने साफ पानी का इंतजाम किया। कब्रिस्तानों की 4 दीवारियों का इंतजाम किया। ढड़ियाल, तड़ावड़ा, कंगा चोली, मटेना, कबीरपुर और अन्य कई स्थानों पर शमशान घाटों का इंतजाम किया। कब्रिस्तानों का सौंदर्यकरण करवाया। मंदिरों की मरम्मत करवाई। तालाबों की बाउंड्रियां बनवाने का भी काम शुरू करवाया और यादगार स्मारक बनवाए। और रहरा ब्लॉक में गुर्जर समाज के नेता माननीय बाबू जयपाल सिंह जी की मूर्ति स्थापित करवाने का काम किया। सालों से गिरने की हालत में रही हसनपुर तहसील, जो अपने आप में हसनपुर की पहचान और हजारों लोगों के रोजगार की वजह थी, उसे उच्च तकनीक वाली आरामदायक तहसील बनवाने का काम उसी जगह शुरू करवाया। कमाल अख्तर जी के सहयोग से बहुत बढ़िया काम हुआ है और ये तहसील हमारे मार्केट में ही बननी चाहिए। मंत्री होने और नेता होने से पहले एक वकील भी हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हसनपुर तहसील बार का मेंबर भी हूँ। जहाँ तक सवाल है, किसान इस क्षेत्र के अंदर बड़ी खेती गन्ने की होती थी और एकमात्र चीनी मिल था। किसान आता था, 4-4 दिन लाइन में लगा रहता था, हसनपुर तक बड़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती थी। हम लोगों ने प्रयास कर त्रिवेणी ग्रुप से चंदनपुर के अंदर एक गन्ना मिल, चीनी मिल लगवाकर इस क्षेत्र की गन्ने की समस्या को दूर करने का काम किया। किसानों की खरीद के लिए FCI, RFC या दूसरी जरियों से कांटे लगवाकर उनकी तोल के उनकी खरीद का इंतजाम कराने का काम हम लोगों ने किसानों के लिए भी करने का काम किया। 40 गांव अपने क्षेत्र के ऐसे थे जिनके अंदर लोहिया गांव कराकर
उन लोगों को शौचालय का इंतजाम हम लोगों ने किया, उनके गांवों के अंदर सीसी रोड हम लोगों ने बनवाने का काम किया। जनेश्वर मिश्रा समाजवादी पार्टी की गांव की इतनी बड़ी स्कीम थी, 40 लाख रुपए की सीसी गांवों के अंदर बनती थी, इन गांवों के अंदर हमने जनेश्वर मिश्रा गांव के तहत 55 गांव ऐसे हैं जिन्हें मैंने जनेश्वर मिश्रा गांव करने का काम किया। और यहां से मतलब हर घर शौचालय बना हुआ, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, हर घर शौचालय बना हुआ, आप चल के देखिए। और हमारे यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है, बिजली की व्यवस्था इतनी बढ़िया है हमारे गांव के अंदर कि बहुत बढ़िया बिजली है। हमारे क्षेत्र में आज तक ऐसे मंत्री कोई नहीं हुए, ना होने की उम्मीद है। जब बाढ़ आई तो उस बाढ़ के अंदर भी हम लोगों ने काम किया, उसके ऊपर जो अनूप शहर के लिए पुल जाता था उस पुल को कंप्लीट कराकर बुलंदशहर को अपने क्षेत्र से जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। सवारी पार जा रही है, हमारी इस पार की उस पार जा रही है, उस पार की इस पार जा रही है। पहले ब्रज घाट होकर आते थे हम इस पार को, गुरुवचन डॉक्टर हैं तो वहाँ कराना पड़ा हमें, उधर से आगे निकलना साहब तो थोड़ा टाइम लगा। शहरों के अंदर हजारों गरीब लोग जो पैरों वाला रिक्शा चलाकर मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे और तरह तरह की बीमारियों से जूझते थे, कभी किसी सरकार की नजर में नहीं आए। ऐसे लोगों को मुफ्त ई रिक्शा दिलवाकर कमाल अख्तर ने न ही उनके रोजगार को बढ़ावा दिलवाया, बल्कि ये लोग समाज में इज्जत की नजर से देखे जाने लगे। अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसको भी गरीबों के बारे में सोचा हूँ भैया। 50 साल मैंने रिक्शा चलाई, मेरा बुढ़ापा आ गया जवानी से, अब तक मेरे हक में बहुत अच्छा करा कमाल अख्तर भाई। मंत्री जी की बहुत बहुत मेहरबानी है साहब, हमें देखा उन लोगों ने, नहीं तो हमारी कहाँ विसात थी कि हम इसे टेम्पो को मोल को खरीद सकते। जगह जगह कमाल अख्तर ने शीतल जल पियाऊ और हैंडपंप लगवाए, जगह जगह यात्री शेड्स बनवाकर लोगों को राहत देने का काम किया। कमाल अख्तर के प्रयासों से पूरे क्षेत्र की लड़कियों को कन्याधन और सभी विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप दिलवाने का काम किया, जिससे वो किसी भी तरह टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं रहे। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये लैपटॉप दिया। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थीं, उन्हें सदन के माध्यम से पूरा किया। अपने क्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की खाद्य एवं रसद समस्याओं को दूर करने का काम किया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम बहुत कम समय में और बहुत शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया। एक साधारण परिवार का व्यक्ति इतनी जल्दी कामयाबी की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, शायद ये लोगों की दुआओं का ही असर था। जनसमूह ज्यादा है लेकिन तालियां कुछ कम है। योजना के लागू होने के बाद जब हर स्कूल के बाहर 100 डायल खड़ी होगी, जब हर चौराहे के ऊपर, हर हाईवे के ऊपर, हर जगह जब 100 डायल के लोग खड़े होंगे, तो यकीनी तौर से मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि अपराधियों के हौसले पस्त होंगे।
हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा मित्र थे जो बेचारे 3,000 रुपए की नौकरी पर काम करते थे, उन शिक्षा मित्र को समायोजित कर 1,70,000 लोगों को नौकरी एक दिन में माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। होली हो या ईद या किसी भी मजहब का कोई भी त्योहार, हर वर्ग के लोगों को पूरा सम्मान देकर कमाल अख्तर ने साबित कर दिया कि वो सब धर्मों की इज्जत करते हैं और उनके मन में कोई भेदभाव नहीं। मंत्री साहब हमारे यहाँ शिवरात्रि को हर बार आते हैं, इनका सहयोग मंदिर में बहुत रहता है, जातिवाद का उनके परिवार में भेद नहीं है कुछ भी। हजारों माओ की समाजवादी पेंशन बनाने का काम किया मंत्री जी के जरिए। हमारी बहन बेटी की शादी होती है उसमें भी हमें मदद मिलती है, राशन कार्ड पर कभी हमें गेहूँ नहीं मिलता था, 2 रुपए किलो गेहूँ भी मिल रहे हैं। आयरन एवं आयोडीन युक्त नमक, अनाज, ठंड में गरीबों को कंबल और शॉल की व्यवस्था कराई और गरीब लोगों को साइकिल, विकलांगों को भी साइकिल देकर उनकी तकलीफ दूर करने का काम किया। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 1400 लोगों की दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा में मौत हुई। कमाल अख्तर ने कम से कम 1200 लोगों को 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 तक मुख्यमंत्री राहत कोष के अंतर्गत मदद करने का काम किया। खड़कवंशी, ब्राह्मण, जाटव, सैनी, कश्यप, जीमर, मल्लाह, बनिया, मुसलमान सभी को दुर्घटना में मदद दिलाने का काम किया। जिन लोगों के पास जमीन थी उनको भी किसान बीमा योजना के तहत 5,00,000 रुपए दिलाने का काम किया। भगत जी के बेटे का 20 महीने इलाज चला, उसे बचा तो नहीं सके लेकिन उन पर लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। मैं रानी के बाबू, मेरे 4 बच्चे हैं। सरकारें बदल गई, किसी ने आन के नहीं देखा। कमाल अख्तर ने हमारी पेंशन मंगवाई, राशन भी दिलवाते हैं। कमाल अख्तर के प्रयासों से ये पैसा मिल गया। मेरे शोहर हार्ट पेशेंट थे, 2 हाल खराब थे इनके, 3-4 लाख खर्च किए उन्होंने हमारे ऊपर। कमाल भाई का कैसे शुक्रिया अदा करें। मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, इन्हीं गलियों में खेलकर, आपके डांट खाकर, आपकी मोहब्बतें पाकर मैं इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ हूँ। आपके बीच में मैंने खिदमत की, आपकी सेवा की, आपके हर दुख सुख में कमाल अख्तर आप लोगों के साथ रहा। कि अगर आगे आप लोगों ने कमाल अख्तर को मौका दिया तो जो बचे हुए काम हैं, जो इस क्षेत्र के नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री अपने क्षेत्र में लाकर उनको रोजगार देने का जो मेरा सपना है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो इस क्षेत्र के लिए रोजगार लाने का, इस क्षेत्र के लिए विकास कराने का, इस क्षेत्र के अंदर जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं उन लोग प्रतिभाओं को निखार कर अच्छे खिलाड़ी बनाने का, वो सारे साधन जो एक अच्छी जगह पर होनी चाहिए वो पूरे साधन कमाल अख्तर उपलब्ध कराने का आपका काम करेगा। ये आपसे कमाल अख्तर वादा करता है। आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहरबानी से, आप लोगों की कृपा से कमाल अख्तर 2012 में चुनाव जीत कर किया और कमाल अख्तर ने पूरा प्रयास किया आपके उस एहसान का बदला चुका दे। आज फिर कमाल अख्तर आपसे अपील करता है कि एक बार कमाल अख्तर को फिर मौका देंगे। अगर आप मौका देंगे तो आपका विकास कराकर, आपका काम कर, आपके इस एहसान का कमाल अख्तर बदला जरूर चुकाएगा।